आज अखिलेश जी के 50वें जन्मदिन पर 50 सेकंड का हेड स्टैंड किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 50वां जन्मदिन है। इस मौके पर सपा नेता व पदाधिकारियों ने ट्वीट करके पोस्टर और होर्डिंग लगाकर बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने पार्टी अध्यक्ष को अनोखे अंदाज में बधाई दी। उन्होंने 50 मिनट तक शीर्षासन कर अखिलेश यादव को बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। थैंक यू। आज अखिलेश जी के 50वें जन्मदिन पर 50 सेकंड का हेड स्टैंड किया। धन्यवाद। इनके अलावा अखिलेश के सहयोगी दलों ने भी आज उन्हें बर्थडे विश किया। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने ट्वीट कर अखिलेश को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोकदल आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता है। हालांकि वीडियो बनने तक जयंत चौधरी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट या पोस्ट नहीं देखा गया। वहीं इस राथू से सपा के लोगों पर विधानसभा चुनाव जीतने वाली और डिप्टी सीएम केपी मौर्य को मात देने वाली पल्लवी पटेल ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध की कृपा से आप यशस्वी, स्वस्थ, प्रसन्न एवं दीर्घायु हो। बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा के सैफई में हुआ। अखिलेश मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 2000 में की थी। पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे अखिलेश 23 साल की उम्र में सांसद बने और 38 साल में सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के सीएम की कमान संभाली थी। सियासी माहौल में पले बड़े अखिलेश ने साल 2000 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव को जीतकर राजनीतिक पारी का आगाज किया था। वो 2004 और 2009 में लगातार इस सीट पर चुनाव जीते, लेकिन 2009 में उन्होंने कन्नौज के अलावा फिरोजाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया। 2012 में अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले पूरे यूपी में यात्रा निकाली। इसका नतीजा था कि सपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। इस तरह महज 38 साल की उम्र में अखिलेश यूपी के 33वें मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।